हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रेवल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम उत्तराखंड के जो स्टेशंस हैं उन पर एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो टनकपुर से शुरुआत हुई थी, अब हम आ गए हैं बनबसा स्टेशन पर। बनबसा भी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है, ज़िला चंपावत है, यहाँ तक चंपावत लगता है। और बनबसा जब आप टनकपुर से पीलीभीत जंक्शन के लिए चलेंगे तो टनकपुर के बाद अगला जो स्टेशन आता है वो बनबसा स्टेशन है। थोड़ा अंदर घुस कर के जो अप्रोच रोड है यहाँ वो बहुत सकरी है बाज़ार के अंदर से। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बनबसा स्टेशन। अब बड़ी लाइन हो गई है तो धीरे धीरे यहाँ से भी कनेक्टिविटी सब तरफ की हो रही है। और चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। तो बनबसा स्टेशन पर अंदर जाने के लिए दिव्यांगों के लिए, देखिए जो डिसेबल पर्सन है, डिफरेंटली एबल जिसको कहते हैं, तो देखिए रैंप वगैरह बना हुआ है। बहुत छोटा सा स्टेशन लेकिन ये सुविधा रैंप की यहाँ पर बनी हुई है, ये अच्छी बात है। अब दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और व्हीलचेयर भी स्टेशन मास्टर के कार्यालय में उपलब्ध है। यहाँ ये बाहर पावर जनरेटर बैकअप के लिए, और ये छोटा सा स्टेशन बनबसा का। अभी यहाँ पर चार जोड़ी जो यात्री गाड़ियाँ हैं वो रुक रही हैं, और साथ ही साथ जो दिल्ली की एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है टनकपुर से उसका ठहराव दिया गया। ये समय सारणी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अंदर का दृश्य है बनबसा स्टेशन का, टिकट घर जहाँ पर है मुख्य बिल्डिंग में प्रवेश करके। ये बनबसा स्टेशन के अंदर का दृश्य, दो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और तीन ट्रैक। इस सामने फुट ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा है और ये प्लेटफॉर्म नंबर दो है सामने, जिस पर कुछ तीन चार बेंचेस पड़ी हुई हैं, कुछ टूट भी रही हैं। और इधर ये जो क्रॉसिंग है फिर ये टनकपुर की दिशा हो जाती है। काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, अधिक भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है तो यात्रियों का दबाव कम है, इस कारण भी साफ सफाई है। और उत्तराखंड में क्योंकि पॉलीथीन पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध है, लोग जागरूक हैं, तो उस कारण भी यहाँ पे जो साफ़ सफाई है ओवरऑल स्टेशन पर और मुझे दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हम देख रहे हैं जो आगे यहाँ पर वेटिंग हॉल है, प्रतीक्षालय जिस पे लिखा हुआ, तो यहाँ पर इस पे अभी ताला लगा हुआ मुझे दिखाई दिया जब मैं स्टेशन पर आया। तो शायद वीआईपी लोग जब आते होंगे तब ये खुलता होगा। और पेयजल सामने व्यवस्था पहाड़ के पास है तो पानी की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पेयजल सुविधा ठीक है। स्वच्छता अभियान के चलते यहाँ पर देखिए फिल्मी स्टाइल में जो पोस्टर लगाए गए उस पर लिखा है कि मेरे पास ट्विटर है तुम्हारे पास क्या है, तो कहते हैं मेरे मुंह में पान है, तो यहाँ पर दीवार पर थूकना सख्त मना है और आपसे जुर्माना लिया जाएगा ₹500। और इसी प्रकार ये आनंद फिल्म का जो डायलॉग था बाबू मोशाय राजेश खन्ना, और बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी, तो फिल्मी कलाकारों का साथ, स्वच्छता अभियान के चलते जो फिल्मी सितारे हैं उनका साथ लिया गया है। और यहाँ पर देखिए अभी आंधी आई थी जब पीछे हाल में ही, तो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर जो आपको ये छत होती है देखिए सब उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही होगी बनबसा स्टेशन पर, तो तेज़ हवाओं ने यहाँ फुट ओवर ब्रिज की जो छत है उसको उड़ा करके रख दिया है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है जिसको ठीक करवाने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है ठीक होगा। और इधर की जो बाउंड्री है वो भी कहीं कहीं प्लेटफॉर्म नंबर दो पर उसमें गैप बहुत है, तो उससे क्या है कि जो जानवर हैं
बकरी है, कुत्ते हैं या जो भी हैं, तो वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उधर आ जाते हैं सामने, तो इसको भी रिपेयर कराने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा अपडेट बनबसा से।